की याचिका पर आज सुनवाई होगी। अजीत जोगी ने छानबीन समिति के फैसले को चुनौती दी है। छानबीन समिति ने जोगी को नहीं माना था आदिवासी, चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन के लिए लगी हुई याचिका। दिल्ली के अधिवक्ता राहुल त्यागी अजीत जोगी की ओर से करेंगे पैरवी। मामले में कांग्रेस नेता संत कुमार नेताम ने पहले ही लगा दिया है कैबिनेट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार राय करेंगे इंटरव्यू। दिल्ली से अधिवक्ता राहुल त्यागी अजीत जोगी की ओर से करेंगे पैरवी। हमारे साथ बिलासपुर से शैलेंद्र पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह देखा जाए कि अजीत जोगी की जाति को लेकर तमाम तरह की बातें चलकर आ रही है और अब कैविएट लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं एक पक्ष और दूसरे पक्ष पैरवी करने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? हाँ, इस मामले में अजीत जोगी ने जो एक छानबीन समिति का जो फैसला आया है जिसमें कि छानबीन समिति ने उनको आदिवासी मानने से इनकार कर दिया है जी। इसके बाद अब अजीत जोगी ने इस छानबीन समिति के फैसले को हाईकोर्ट में आज चुनौती दी है। आज क्वेश्चनिंग के लिए जो है उसको लगाया जाएगा और इस मामले में जो है की जो संत कुमार नेताम है कांग्रेस नेता जो सबसे लगते आ रहे हैं इस मामले में अजीत जोगी के खिलाफ जाति मामले जब से राज्य बनाए तब से वो इस मामले में लगे हुए हैं। पहले सांसद काफी लोग हैं तो वो इस लगातार आज उन्होंने अपनी तरफ से कैबिनेट लगा दी। कैबिनेट का मतलब ये है कि अजीत जो का अगर याचिका लगी है और इस जाति मामले में सुनवाई हो रही है तो उससे पहले उनको भी सुना जाए। और इसी तरह से राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार राय कैबिनेट नहीं लगा पाए हैं, ऐसी स्थिति में वो अधिक इंटरव्यू करेंगे कि उनको भी सुना जाए। राष्ट्रीय जनजाति उन्होंने भी पहले इसमें हस्तक्षेप किया था जाति को लेकर के जोगी को, तो एक बात इसमें है। लेकिन आज ये एमएसपी के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो चीफ जस्टिस की बेंच पे कहाँ लगती याचिका और कब सुनवाई होती है और किस तरीके से। हालांकि जोगी का यही दावा है कि आदिवासी है और ग्राम सभा में उन्होंने लोगों ने उनको आदिवासी माना है, वो उनके समाज में शामिल होते हैं, उनके समाज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनकी नवाखाई में शामिल होते हैं, तो तमाम उनकी संस्कृति और उनके समाज के जो लोग हैं वो धर्म के जो परंपरा है वो उनको मानते हैं और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो उनको मानते हैं और लगातार वो आदिवासी से जीत रही है, तो पुख्ता दावा उनकी तरफ से है। सर, एक तरह देखा जाए कि हम नंद कुमार साय की बात करें तो अचानक बिलासपुर पहुंच गए हैं और बिलासपुर आने के बाद वकीलों से चर्चा करके एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसको लेकर? तो यही है क्योंकि अब जाति का मामला जोगी का स्पष्ट हो गया है, ये बहुत देर बाद बहुत दिन बाद जो सालों से चल रहा था वो अब स्पष्ट हुआ है। तो नंद कुमार साय से भी एक खबर पर हाईकोर्ट में जो अपने वकील के माध्यम से देंगे, अपने वकील करने भी पहुंचे हैं और उनके माध्यम से वो चीजों को यही इंटरप्रिट करने के सबके ये बताना चाहेंगे कि जोगी के जाति के मामले में उसको भी सुना जाए। तो उसकी जो स्थिति है जोगी की जाति अगर चर्चा हो रही है सुनवाई हो रही है तो उसको राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष के नाते उसकी भी बात की जाए। ये इसलिए वो बिलासपुर फंसे और ये मतलब बड़ा वो हो गया है कि नंद कुमार साय के आने से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जोगी की राज जोगी की जाति का मामला जो है वो गर्माएगा और उनके आने से ये लग रहा है कि लड़ाई और तेज होगी और जो जोगी को और दमखम से लड़ना पड़ेगा। हालांकि जो छानबीन समिति है जिसके फैसले आए हैं वो छानबीन समिति के उसके वकीलों का ये कहना है वकीलों का कहना है कि जो छानबीन समिति की रिपोर्ट है बहुत स्पष्ट है, उसमें किसी तरीके का कोई वो बहुत वो नहीं है। लेकिन जिसके जोगी के पास अपना आधार है अपनी अलग चीजें हैं, वो आदिवासी लोगों के बीच रहते हैं, वो उनके परिवार के लोगों को वो सारी चीजें वो एक बार फिर से हालांकि वही पुरानी चीज रिपीट होगी जो अब तक त्रिपुरी के जाति के मामले में बहस होते रही है वही चीजें सामने एक बार भी आनी है। लेकिन अभी ये साफ तौर पर है कि वो एक बार फिर ये बताना कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम सभा और जो समाज ने निकाला था उसको तो वो सब बात गलत है और वो जो समाज के लोग हैं वो आज भी उनके समाज में है, वो आदिवासी समाज के हैं, उस परंपरा को जी रहे हैं, उस उनके लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनके साथ जी रहे हैं, तो इसलिए वो उसी बात को लेकर के फिर पहुंच रहा है। सबसे बड़ा उसका ये कहना है कि आदिवासी जो ग्राम सभा जो जाति को लेकर के कई कोई टिप्पणी नहीं है, उन्होंने माना है कि जो भी समझ जाती है वो ये भी एक मुद्दा है। हालांकि छानबीन समिति की जो रिपोर्ट है वो जो जांच में आई है वो बहुत दमखम से बहुत स्पष्ट है, उसमें मतलब छानबीन समिति ने भी काफी उसमें मेहनत की है और इस तरीके से जो भी को राजनीतिक रूप से भी देखे हम जो समिति हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हाईकोर्ट के डायरेक्टर के बाद बनी है, तो ऐसे भी समिति का जो काम है वो
नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ उसको राहत मिल पाएगी। अभी जो दावा है योगी का, राज्यसभा में उनको राष्ट्रपति मान लिया गया, कमल यात्री का मान लिया गया है, और जो समाज जीत है उनके समाज के प्रमुख जब आदिवासी समाज जाहिर सी बात है, यानी कि ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ होता है, और जिस तरह समाज की बात की जा रही है उनकी तरफ से भी एक अलग रवैया निकलकर सामने आया। बहरहाल सिलन, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बात करते हैं गंजबास